आपका बुलावा है महाराज। डियांग, तुम मुझे कहां ले जाना चाहते हो? जहां से आप आए हैं महाराज। सात महीने बाद क्रूंगश्री की हालत खराब हो जाती है। बर्मी सैनिकों द्वारा 13 महीने तक बंधक बने रहने के बाद क्रूंगश्री के लोगों की एकता खत्म हो जाती है। कुछ लोग आपस में ही मर मिट जाते हैं, तो वही कुछ लोग दुश्मनों से डरकर गुलाम बन जाते हैं। कुछ को लगता है अपनी जान बचा लेने में ही भलाई है, और वो लोग क्रूंगश्री को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बर्मी सैनिक का अभी भी बीच बीच में विरोध किया जाता है। विरोध करने वाले इन योद्धाओं के दल को बर्मी लोग भिक्षु के गोरिल्ला सैनिक कहते हैं, और ये बात उड़ती हुई बर्मी सेनापति नेमाओ तक पहुंचती है। विजय भवा, देखो सुखी, एक काम करो, इसे मार डालो। वो भिक्षु कोई अमर योद्धा नहीं है, बस वो अनुभवी है। तुम अभी तक इस भिक्षु को मार नहीं पाए, तो तुम क्या कर पाए हो अब तक, बताओ मुझे, बोलो जल्दी। तुम मुझे और तकलीफ देने की कोशिश मत करो। जनरल एमाओ, मैंने उस भिक्षु को कभी देखा ही नहीं है, कैसे मारूंगा? मैं तुम्हें मेरे यहां से सहायक दूंगा, समझ गए तुम? फिर तुम मुझे निराश मत करना। मैंने तुम लोगों को बुलाया है ताकि ये बता सकूं कि क्रूंगश्री से मेरा संपर्क टूट गया है, इसलिए मुझे युद्ध का कोई भी समाचार नहीं मिल रहा है। अब तुम लोग ही बताओ कि क्या करना चाहिए। क्या आप लोगों के पास कोई राय है? यदि है तो बताओ, तुम लोग जो कहोगे वही होगा। मेरे गांव हवाई डैंग में 200 लोग हैं, और दूसरे गाँव वालों से हम लोग वर्मा का सामना कर सकते हैं। बच्चों जैसी बातें मत करो, बर्मीज ने राजन गाँव का पूरी तरह से सफाया कर दिया है। हमें बर्मा वालों से नहीं लड़ना चाहिए, इतनी सी बात समझ में नहीं आती? बेवकूफी मत करिए, सारे लोग मारे जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं बर्मा के खिलाफ हूँ, उन्होंने हत्याएं की हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। मैं भी सहमत हूँ, हमें लड़ना चाहिए। हमारे साथ भिक्षु का आशीर्वाद है, यकीन मानो हम लोग इस बार जरूर जीतेंगे। जरूर जीतेंगे। हम जीतेंगे। बिल्कुल, हम उन्हें हरा देंगे, कोई नहीं हरा सकता। रुको, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ऐसे समय में हमें एक रहना चाहिए, आपस में मतभेद मत पैदा करो। ए, कहीं ये भिक्षु धामा कोटे तो नहीं है? आपका दर्शन करना मेरा सौभाग्य। आप जैसा कोई नहीं हो सकता है महाराज। अगर तुम लोग आपस में ही लड़ते रहे तो एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्द हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जैसे ही मुझे सूचना मिलती है मैं तुम लोगों को तुरंत बुलाऊंगा। सुनो फराया थोट, तुम एक भरोसेमंद इंसान हो, काश हर गांव में तुम जैसा मुखिया होता। आओ आओ, सब लोग आओ, गुरु जी का आशीर्वाद ले लो, आओ। आशीर्वाद दीजिए आप। शुक्रिया। सबको मार डाला, उन भिक्षुओं को भी।
दुश्मन यहां से ज्यादा दूर नहीं होंगे, वहां भिक्षु को आसानी से मार सकते हो। खून के छींटे मुझ तक नहीं आने देना।
हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया, नहीं तो पक्का हमें मार दिया जाता। आपका स्वागत है। आप लोग बहुत महान योद्धा हैं। लगता है भिक्षु धामाकोटे आसपास ही है। आप हमें यहाँ रहने देते तो मेहरबानी होती। ये सब बच्चे अनाथ हैं। ऊपर वाला इन्हें कैसी सजा दे रहा है? हम लोग अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकते, कृपया मेरी बेटी का आप ध्यान रखिएगा। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाना, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आज हमें पूरी रात जागते रहना है। जरूर ये रोते रोते थक गई होगी। कैसा बाप है ये, कैसे आदमी हो तुम? इसकी पत्नी युद्ध में बिछड़ गई, मुझे लगता है ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। अब ये लोग मौत से नहीं डरते, हालांकि उन्हें अभी भी लगता है कि उनका परिवार किसी न किसी दिन उन्हें मिल ही जाएगा। ऐसा मुश्किल है, हर जगह बर्मा के सैनिक हैं। मुझे डर है कि ये उसकी तड़प में मर जाएगा। अगर हम लोग बर्मा के सैनिकों को अपना भोजन बना लें तो यकीनन हम भूख से नहीं मरेंगे। ये तुम्हारे लिए कहना बहुत ही आसान है, अगर तुम्हारी बीवी खो जाती तो? कमाल है, फिर तुम्हें दूसरी ढूंढ लेता। झूठ बोल रहे हो, मैं जब देखता हूँ तुम अपनी पत्नी के साथ चिपके रहते हो और ऐसी बातें कर रहे हो तुम। हम लोग इस तरह कब तक ऐसे छिपकर जीते रहेंगे? खर्चे के लिए हमें इन्हें लूटना होगा। भले ही ये हमारे धरती के हैं, मगर हम यहां शान से जी नहीं सकते हैं। बहुत नुकसान, इतना नुकसान हुआ है कि हम गिन नहीं सकते हैं। बड़े दुख की बात है, उन्होंने मेरे पूरे गांव का नरसंहार किया। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं। सिर्फ कियान और यान जान बचा सके,
यांग भी मार दिया गया होता अगर मून और डियांग उसको मदद नहीं करते। युद्ध के बाद एक अच्छी सी जमीन लेकर खेतीबाड़ी करूंगा और फसल उगाऊंगा। मैंने फैसला भी कर लिया है, मैं वहीं रहूंगा, देख लेना तुम लोग, मुझे पता है मैं खुश रहूंगा। वो सब छोड़ो डैंग, तुम्हें चाबा से शादी करनी चाहिए, वो काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं तुम्हारी खुशी में जरूर शामिल होऊंगा मेरे दोस्त। ये सब होने के बाद अच्छा मुहूर्त देखकर शादी कर लूंगा। ये हुई ना बात, एक बार शादी तो करो, तब पता चलेगा कि पत्नी क्या चीज होती है। पापा, मुझे छोड़कर मत जाइए, पापा मुझे मत छोड़िए। घबराओ नहीं बच्चे, एक दिन तुम्हारे पापा जरूर आएंगे। वो देखो मून आ रहा है। जानू, मुझे तो लगा था कि अब हम कभी मिल ही नहीं पाएंगे। मुझे बंधक बना लिया गया है, इन लोगों ने मुझे बचा लिया। वो सब तो ठीक है, पहले भिक्षु को प्रणाम करो। तुम लोगों को वापस यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। हुआई में बर्मियों से लड़ते हुए हमने इन गुलामों को बचाया है। ये लोग भूखे होंगे, पहले इनके खाने का इंतजाम करो। हाँ कौम क्या हो, चलो। हाँ चलो चलो चलते हैं, चलो चलो चलिए, चलो सब लोग मिलकर चलते हैं। शुक्रिया, चलिए साथ में चलते हैं। हाँ मैं निकल रहा हूँ, चलिए आप भी चलिए। हाँ चलो चलो। हाँ 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 मुझे भी दीजिए, हमें भी दीजिए। सही से हाँ हाँ ये चलो। ओय ओय, चोट लग गई ना बाबा। तो ऐसा करने की जरूरत क्या थी, मुझे लगा कोई और है, मैं तो डर ही गई थी। मतलब मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूँ तो तुम्हें दिक्कत है? मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ो ना, साइड हटो, अगर किसी ने देख लिया तो वो माँ को बता देगा, हटो। देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तो आज तक तुमसे कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, माँ नहीं मानेगी। अगर तुम्हारी माँ ने अनुमति दी तो तुम शादी कर लोगी ना? तुम्हें थोड़ा भी सब्र नहीं है, आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी ही तो बनूंगी। आजकल हर जगह राशन ढूंढना मुश्किल है, हर जगह बर्मा के सैनिक तैनात हैं। तुमने अभी तक कुछ खाया कि नहीं? पहले सभी लोगों को खाने दो, फिर मैं खा लूंगा। रुकिए दादाजी, ये आप मेरे हिस्से का खा लीजिए। ये लीजिए। ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है महाराज, मैंने ऐसे बहुत से जड़ी बूटियों का पता लगाया है। तुम कोई सामान ढूंढने में बहुत माहिर हो। उन गुलामों का कहना है कि बर्मी सैनिक यहां कभी भी पहुंच सकती है, हमें यहां से जगह छोड़ देना चाहिए। चलो देखते हैं, हालात के अनुसार फैसला करेंगे। मून यहां कई गुलामों को छुड़ा कर लाया है, मुझे चिंता है कि उनके लिए राशन कहां से आएगा। उन गुलामों का हालात देखे वहां कैसा था? कोई बात नहीं कोम, ठीक ही हुआ ना, अब हमारे पास कई हाथ होंगे, हमारी ताकत बढ़ गई।
समझे ना तुम? अरे डियांग, क्या बात है महाराज, इतनी रात को आप यहां पर? मैं तुम्हें कैसे बताऊं डियांग, आपने मेरा बचपन से पालन पोषण किया है, मुझे नहीं बताएंगे? अब हमारा समुदाय काफी बड़ा हो गया है, राशन उतना नहीं है, उतने जड़ी बूटी भी नहीं है, हमें इसके लिए मून और भीम पर भरोसा करना होगा। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे चाबा से शादी करनी है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एक शुभ मुहूर्त देखिए ना। इन पर और ज्यादा मरहम मारो। आराम से उठाओ, बहुत दर्द हो रहा है। ओ मेयो, तुम तो बिल्कुल बच्चे की तरह रह रहे हो। बर्दाश्त करो, बहुत ही जल्द ठीक हो जाओगे। बहुत जल रहा है, बगल में, बगल में, पीठ में। आराम से। Hey मून, देखो अब राशन ज्यादा बचा नहीं है, हम कहीं से व्यवस्था करके ले आएंगे। मून देखो, अब हमारे समुदाय में लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है, जो गुलाम किसी के काम के नहीं, उन्हें हमें काम से निकाल देना चाहिए, यही बढ़िया होगा सबके लिए, वरना हम लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन इस वक्त वो कहां जाएंगे? देखो तुम हर किसी को बचा नहीं सकते, मेरी बात याद रखना मुन। तुम इसे खा लो, मुझे भूख नहीं है, तुम्हें ढेर सारा खाना चाहिए। ये बताओ ऐसा कब तक करते रहोगे? मैंने तुम्हें बताया ना, अभी काफी लोगों को खिलाना है, तुम्हें क्या जरूरत थी उनको यहाँ लेके आने की? मैंने तुमसे कहा ना, अभी बहुत लोग हैं। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्या आपको याद नहीं, कभी हम भी ऐसे बुरे वक्त से गुजरे थे। Oh!
राशन लेकर कुछ लोग आ रहे हैं, उस तरफ से आ रहे हैं। वो देखो कहाँ पे, वहां पे क्या हुआ है? हाँ वहां पे कुछ तो जरूर हुआ है, वही आया था। हाँ हाँ और देखते हैं। देखो उस तरफ देखो ध्यान से, ये कौन आ रहा है? पता नहीं, जानते हो क्या तुम इन्हें? नहीं। पकड़ो एक एक को पकड़ो। हम लोग थाई हैं। तो फिर ये बर्मी वर्दी क्यों पहने हो? हम लोग सैनिक हैं। लेकिन लुटेरे तो राशन लेकर चले गए हैं। हम लोगों से पहले यहां आकर राशन लूटने की हिम्मत किसने की? रुको, Yeah.
क्या मैं आपको याद हूं महाराज? हाँ याद है, तुम अवोल हो ना, फराया थोट के सैनिक। आखिर कौन है ये नमरद? तुम जरा सोच समझकर बोलो, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। आप सबका धन्यवाद, मैंने बहुत सुना है आप लोगों के बारे में, पर सोचा नहीं था कि ऐसे मुलाकात होगी। भिक्षु धामकोटे कैसे हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? अपने बलिदान के लिए कुख्यात हैं, उन्हें कैसे नहीं जानूंगा। हमने तो 30 अच्छे सैनिकों को खो दिया। पहले हमें जख्मी लोगों को संभालना चाहिए, फिर सोचा जाएगा आगे क्या करना है। एमून, ये तुम क्या कह रहे हो कि इनके सैनिकों को हम अपने समुदाय में ले चलें? तो इन्हें यहीं मरने के लिए छोड़ दे क्या? मुझ पर विश्वास करो, मैं फराया लेके सैनिक को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं पक्का कहता हूँ वो हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरा सर काट कर अलग कर देना। अगर मैं मर गया तो इस तीर के वजह से नहीं मरूंगा, वो तुम हो, तुम्हारी वजह से मरूंगा ना मुराद। मैं ठीक हूं, एक घुट दारू पिला दो फिर मैं दुश्मनों के छक्के छोड़ा दूंगा। हम थोड़ी देर यहां पर आराम कर लेते हैं, उसके बाद यहां से चलेंगे। हेमून, अगर हम आगे बढ़े तो बर्मी नहीं छोड़ेंगे हमें। आ, 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 आ। हरेंग, ये तुम क्या कर रहे हो? इससे दर्द से राहत मिलेगी। अगर मैं कुंगश्री जा पाया तो मैं इसके घर वालों को बताऊंगा कि ये कितना बहादुर सैनिक था। उधर पहाड़ में आग लगी है। जरूर वो कोई गांव होगा। वहां कोई गांव नहीं है, आग कुंगश्री में लगी है। बर्मी सैनिक कुंगश्री पहुंच गए हैं और अपना खौफ दिखा रहे हैं, हमें वहां चलना होगा। Thank you.
भिक्षु के सैनिकों ने हमारे कई सेनापतियों को मार डाला। अब कुंग श्री के सैनिकों को भी वो मिला लिया है। उन्हें हरा पाना अब और मुश्किल होगा। मालिक सुखी, आपको संभल कर रहना होगा। राजन के गांव में जैसा भयानक लड़ाई हुआ था, फिर वैसा ही हो सकता है। ये सेनापति कौन है? अयोध्या का एक अधिकारी है। वो बहुत बहादुर है और एक कुशल योद्धा है। उन्हें हमारे सेना में शामिल कर लीजिए। मैं भी तो देखूं कि वो कितना बहादुर और कुशल योद्धा है। आपको प्रणाम करने का मौका मिला, भाग्यशाली हूँ। पहले ये बताओ तुम लोग कौन हो? मैं फराया लेख हूँ। बर्मियों ने हमें घेर लिया था। हम लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे। किस्मत से इन लोगों ने हमें बचा लिया। इस वक्त तुम सब लोग आराम करो बच्चे, हम बाद में बात करेंगे। हाँ उसे वहाँ, हाँ उसे वहाँ रख दो। बढ़ते रहो। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी शांति मिली है यहाँ पे आकर। आप क्या बोलते हो? वो देखो। दरवाजा बंद कर दो। इतना बेरहम मत बनो बुआ, बेचारा मर जाएगा। ये लो, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ के लाया है। इसे तुम्हारी माँ को देकर उनका दिल जीत लूंगा, देखना। फिर तो वह हाँ ही कह देंगी। तुम मेरी माँ को इसे खरीदना चाहते हो? रुको, मैं उन्हें देकर आता हूँ। नहीं, उन्हें मैं ले जाकर देती हूँ। रुको तुम। माँ, माँ। हाँ? डियांगे तुम्हारे लिए लेकर आया है। इसको ले जाकर जल्दी से पका लो। चल रहा है। देखो मुर्गा पकने वाला है, इतना जल्दी। चलो चलो। तुम फिर इतने सैनिकों को लेकर आ गए? आखिर में बता दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सभी मुसीबत में हैं। मैं इन्हें कैसे छोड़ देता? क्या तुम लोगों को ये नहीं लगता कि वो लोग हमें मुसीबत में डाल देंगे? सोचते हो कि नहीं? अगर वो मुसीबत बनेंगे तो मैं उन्हें जाने को बोल दूंगा। जरूर वो सैनिक बहुत अच्छे लोग होंगे, जो सैनिक किसी और के लिए अपनी जान दे सकते हैं। उसके दिमाग में कोई खुराफाती सोच है, लेकिन उसका मकसद कुछ और है। जब भी तुम कहीं लड़ाई करने जाते हो,
मैं डर से सो नहीं पाती हूँ कि तुम वापस लौट कर आओगे या नहीं। तुम बहादुर हो, मैं चाहूंगा तुम मेरी सेना में आ जाओ। मैं कहीं नहीं जा सकता, गांव वाले और मेरी पत्नी को यहां मेरी जरूरत है। आपको भी यहीं रहना चाहिए, गांव वालों को खुशी होगी। मैं एक सैनिक हूं, देश की रक्षा मेरा फर्ज है, परिवार मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए। तुम्हारे मशवरे के लिए तुम्हारा धन्यवाद। चाबक क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें तुम्हारे मंगेतर ने मारा है। सुनो, तुम मेरा इंतजार करना। मखाम, अब तुम बड़ी हो गई हो, शादी कब करोगी ताकि तुम्हारा अकेलापन खत्म हो सके? देखो, मुझे तुम ऐसे ही रहने दो, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। शादी करने से किसे क्या मिलता है बताओ? ये सब चीजें बताई नहीं जाती, खुद समझी जाती है। मुझे ऐसे देखते रहोगे? क्या हो गया तुम्हें? महाराज ने शादी का मुहूर्त बता दिया है। क्या सच? अब देखो, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें जाना चाहिए। मुझे घर से निकले बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जाती हूँ। चाबा, मैं तुम्हारी माँ के पास आकर तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मखाम, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? अरे बुआ, ये कैसा अन्याय है, तुम मेरे ऊपर मरहम क्यों नहीं लगा रही हो? थोड़ी सी खरोची तो लगी है, मरहम की जरूरत नहीं है, तुम बिना दवा के ही ठीक हो जाओगे। ओह, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? हाँ। माफ कर दो, अब दर्द नहीं हो रहा। अरे प्यान, ये सब तुम कहाँ लेकर जा रही हो? इन सैनिकों को देने आई हूँ। लाओ रखो यहाँ। तुमने इसको फेंक क्यों दिया उल्लू कहीं के? तुमने इसे फेंका क्यों? पहले से ही खाने के लिए भोजन की कमी है, क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? रुको, लड़ाई मत करो, जो खून तुम में है वही इनमें भी है। आपस में ही क्यों लड़ रहे हो? ये ताकत बर्मियों के लिए बचाकर रखो। तुम लोग सैनिक हो, गुंडों की तरह रहना छोड़ दो, चलो जाओ। जो हुआ वो सब भूल जाओ। महाराज, मेरा एक काम करोगे? बताइए मुझे क्या करना है। एक सेनापति होने के नाते तुम्हें फैसला करना होगा,
उनमें कुछ अच्छा होगा तो कुछ फैसला लोगों को क्रूर लगेगा, मगर तुम्हें बेटा फैसला जरूर लेना ही होगा। अपना सामान बांध लो, बर्मी सैनिक के यहां पहुंचने वाले हैं। हमें कोई और जगह तलाशनी होगी। जा रहे हो तुम लोग? मुझे भिक्षु से बात करनी है। तुम्हें उनसे क्या काम है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मुझे जानना है। ठीक है, मैं भिक्षु से कहूंगा बर्मियों से लड़ने के लिए वो गांव वालों को मेरे साथ जाने दें। उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। यहाँ के लोग इसलिए लड़ते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे। इसलिए हमारे देश की यह हालत है क्योंकि तुम जैसे मुखिया हैं। तुम लोग बेवजह मारे जाओगे। क्या कर रहे हो आपस में? झगड़ा किस लिए? तुम्हें लगता है हालात अभी उतना खराब नहीं है, है ना? हाँ, तो तुम लोग क्या कह रहे थे? बर्मी सैनिकों से लड़ने के लिए मैं गांव वालों को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। ऐसा नहीं होगा, कोई गांव वाला नहीं जाएगा। अभी हमारी जो ताकत है उसमें हम सब मारे जाएंगे। युद्ध में कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन गांव वालों की जिंदगी को तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहिए। तुम्हारा और तुम्हारा, मुझे पता है तुम दोनों के इरादे अच्छे हैं, लेकिन कभी तुम लोग गांव वालों से पूछे कौन लड़ाई करना चाहता है और कौन लड़ाई नहीं करना चाहता है। जो जाना चाहते हैं उन्हें युद्ध भूमि में लेकर जाओ, और जो नहीं जाना चाहते हैं उन्हें मत ले जाओ। तुम लोग किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने जो सोचा है मैं वो करूंगा। कोई मेरा साथ दे या ना दे। मेरी बात मानो, तुम उनकी बातें दिल पर मत लो। वो बस अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज, देश के लिए लड़ना एक सैनिक का कर्तव्य होता है। जनता की भलाई को खुद की भलाई से ऊपर रखना होता है। मैं भी एक सैनिक हुआ करता था, मैं समझ सकता हूँ। तुम एक अनुभवी सेनापति हो, तुम भावनाओं को अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हो? वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं और मैं चुप नहीं बैठ सकता। फराया, तुम्हारा सरनेम भले ही फराया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सही होगे। तुम बेहद अनुभवी हो, मैं चाहता हूं तुम जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचो। ऐसे हालत में तुम जैसे सैनिकों की बहुत जरूरत है हमें। तो अब क्रूंगश्री गांव में सिर्फ बुरे ही लोग होंगे, वो राजन के गैंग को कुछ नहीं समझ रहे होंगे। ऐसा नहीं होता है, हर जगह अच्छे लोग होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं। अब बुरे लोगों का दबदबा ज्यादा है, इसलिए देश की हालत इस तरह की हो गई है। आजकल के जमाने में हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो अब क्या किया जाए? फराया लेक के बारे में सोचकर देखिए। जब बात किसी अच्छे इंसान की हो तो सबसे पहले फराया लेक ही हमारे दिमाग में आते हैं। ये! 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 ये!
वो मेरे मुर्गे हैं, तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। मुझे तो इनमें से मुर्गा नहीं, वो वाली मुर्गी पसंद है। हे, उसे मुर्गी पसंद है। हम जीत गए। हमने उन्हें घेर लिया है मगर भिक्षु का सर नहीं मिला। अपनी कायरता मान लो। हम लोग उसके करीब पहुंच गए हैं, बहुत ही जल्दी भिक्षु का सर मिल जाएगा। मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैंने जो फैसला कर लिया उसे तोड़ पाना नामुमकिन है। मैं ये काम उसे दे कर रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि ये काम मुझसे लेकर मगुंचन को दे दिया जाए तो फिर मैं उसे दे दूंगा। मगर एक बात आपको बता दूं कि उसके बाद फिर मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छे से सुन लो, जाकर उसे कहना जितना जल्दी हो सके भिक्षु का सर लाए। तुम लोग निकल जाओ, मुझे इसके साथ छोड़ दो। सुना नहीं क्या? लमदुआन, देखो तुम्हारे साथ मैं दूसरे गुलामों की तरह सलूक नहीं करूंगा। जल्दी कुछ खा लो। ये लो, जरा आराम से खाओ ना। शांति से रहो, तुम सबको जितना चाहो उतना खाना मिलेगा। हम कैसा चप्पल सिला, दोबारा टूट गया। मेरे पैर में कितनी तकलीफ हो रही है पता है तुझे? पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, मैं ये फिर से बना दूंगा, अच्छे से, और अच्छे से बना दूंगा। फिर दोबारा आपको नहीं आना पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छे से।
अच्छे से पहले क्यों नहीं सिला? सांग, मैंने काफी लोगों को मिला लिया है, तुम भी चलोगे मेरे साथ? अगर चलना चाहते हो तो बताओ। तुम्हें सिर्फ एक दोस्त होने के नाते मैं कह रहा हूँ, बर्मियों को ये बात पता चल ही जाएगा, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, सब के सब काट डाले जाओगे, समझे तुम? तो फिर तुम बर्मियों के पालतू कुत्ते बने रहो। महाराज निमाओ को तुमसे बहुत उम्मीद है, तो सफल होके आना, उनकी उम्मीदों पर पानी मत फेरना। उन मक्खियों को मैं मसल के रख दूंगा। ये सभी भोजन गांव वालों में बांट देना। जाओ। अरे जल्दी आगे चलो ना, हमें भी भूख लगी है। बढ़ते रहो भाई, अब आते करोड़ रही हैं। अरे मुझे भोजन दो ना, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। एक काम करो, जरा मुझे तो पत्तल। हाँ मुझे मुझे थोड़ा सा, ये लो थोड़ा और दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा और दे दो। हाँ बिल्कुल चाहिए। अरे नहीं, क्या हुआ? देखो तो बेहोश हो गई। क्या हो गया? संभालो, जल्दी करो, इसे ले जाओ। डॉक्टर को हाँ उठाओ, इसे ले जाओ, जल्दी करो, जल्दी ले जाओ, ले जाओ, जाने बेहोश हो गई। तुम इतना मेहनत क्यों करती हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। मून, मैं मां बनने वाली हूं। क्या सच में? लड़का है या लड़की? पागल हो क्या? मुझे कैसे पता चलेगा? अगर वो तुम्हारे पेट में मारे तो वो लड़का होगा। अभी तो सिर्फ एक महीना हुआ है, अभी वो क्या किक मारेगा? लगता है तुम्हें लड़का पसंद है, तुम्हें सिर्फ लड़का ही चाहिए क्या? लड़का हो या लड़की, मैं दोनों से प्यार करूंगा। जंपी, ऐसे समय में उसका जन्म होगा, मुझे डर लग रहा है, आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं सबके लिए खाना लेकर आऊंगा और सबका बहुत ख्याल रखूंगा। तुम लोग चिंता मत करो, भिक्षु का सर जल्दी मिल जाएगा, देखना। मुझे अपने हथियारों पर भरोसा है, फिर मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। इतना यकीन कैसे है तुम्हें वो अपने परिवार और भिक्षु के लिए कुछ भी कर सकते हैं? उस भिक्षु को मारने के चक्कर में मैंने अपने एक से एक योद्धाओं को खो दिया है। महाराज ने सही कहा था कि वो भिक्षु इतना प्रभावशाली है कि उसको बचाने के लिए लोग मर मिटेंगे, क्योंकि सभी लोग उसकी बातों को मानते हैं। संभल कर रहना, नहीं तो वो लोग तुम्हारा भी खेल खत्म कर देंगे, समझ गए? सेनापति नेमाओ से कहना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा।
सुनो, क्या तुम्हें यकीन है कि फराया लेक मंगुंचन को युद्ध में हरा देगा? क्या लगता है तुम्हें? वो बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है तुम सब तैयार हो, और मुझे ये भी लगता है कि तुम सब भूखे हो, लेकिन अभी तुम लोगों की भूख नहीं मिटा सकता हूं, लेकिन कल से भूखे नहीं रहना है। अगर तुम लोग एक दूसरे का समर्थन किए तो इस अलाव की तरह इनमें छोटी छोटी लकड़ियां मिलकर जिस तरह इतना आग जलाया है, उन्हीं की तरह तुम लोग भी एक साथ मिलोगे तो तुम्हारी ताकत और भी बढ़ जाएगी। और एक दूसरे का समर्थन नहीं किए तो हो सकता है सुबह होते होते ये भी हो सकता है कि तुम लोगों में से कोई भी नहीं बच पाए। इसीलिए मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि सब लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे का समर्थन करो। तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तो तुम दोनों को बांग पुतस्या से मोन के दोस्तों ने छुड़ाया है ना? जी महाराज। जी, आपकी कृपा से हम लोग बच गए, इसीलिए मेरी पत्नी बोली कि चलते हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। मैं इसे आपके लिए लेकर आई हूँ, इसे मैंने खुद से बनाया है सिर्फ आपके लिए। बहुत बढ़िया। तुम लोग बहुत नसीब वाले हो जो तुम्हारी जान बच गई। देखकर लग रहा है कि तुम्हारा घाव बहुत गहरा है। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। ये तुम क्या कर रहे हो? मत खाइए, इसमें जहर मिला है, मैंने ही मिलाया है। हम लोग बांग पुत्सिया के गुलाम हैं, हमारे सभी बच्चों को और गांव वालों को बंधक बना लिया है, और हम पर आपको मारने के लिए बहुत ही दबाव बनाया गया है। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। हमें माफ कर दीजिए, माफ करिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे बच्चों और गांव वालों को मार दिया जाएगा। जी, सामान चुराने की हिम्मत कैसे हुई? आओ। ये तुम्हारे लिए मेरी यारी मलिका। सभी लोग रुक जाओ। उन दोनों ने अपना काम नहीं किया। सभी युद्ध बंदियों को मार डालो। उस नामुराद ने काम नहीं किया तो क्या हुआ? हमारे पास एक और रास्ता है। कुरुंग श्री को खत्म करने के बाद हम लोग
होंगसा में सोना लूटने जाएंगे और साथ ही साथ भिक्षु को मार देंगे। उसकी गुफा ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पास हजारों सैनिक हैं, वो सब मिलकर ढूंढेंगे। जो भी बीच में आएगा उसे भी मार डालेंगे। सही से रखो जी। सारे युद्ध बंदियों को भोजन करा दो, जाओ। बेटा तब तक तुम ये रस्सी बनाओ, मैं आता हूँ। हाँ चलो चलो चलो, सिर्फ पीन के गांव वाले ही खाएंगे, बाकी लोग अपने काम में लगे रहो, कोई भी नहीं आएगा। थोड़ा मुझे भी। तुम चलो चलो, तुम थोड़ा और दे दो ना। मुझे भी थोड़ा दे दो। थोड़ा और दे दो। मुझे वो वाला दे दो। आज कोई खास दिन है क्या? इतना स्वादिष्ट खाना क्यों खिला रहे हो? चलो खा लेते हैं, आ जाओ। चलो लेकर चलते हैं अब। हाँ अब खा लेते हैं। अबे तूने अपना काम नहीं किया ना, ये उसी का ही नाम है। चल जल्दी कर। उड़ते चलो, चल करो। तुमने ऐसा क्यों किया पिन, बोल। ये क्या हुआ इन्हें? आखिर तुमने इनके साथ किया क्या है? ये दोनों भिक्षु को जहर खिलाना चाहते थे। इनके काम को द्वांग ने देख लिया और मुझसे कहा। क्या ये सही बात है? हाँ। भिक्षु अभी कैसे हैं? उन्होंने काफी पुण्य किए थे, इसीलिए वो बच गए। इन्हें भगा दो, भगा दो यहाँ से, भगा दो। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। रुको रुको, भागो यहाँ से। भिक्षु अभी ठीक तो है ना? मून सेनापति को इतना रहमदिन नहीं होना चाहिए। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये तुम्हारी तरह बेरहम नहीं है। तुम लोग मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग युद्ध बंदियों को मरते हुए देख सकते हो क्या? बताओ मुझे। हाँ हाँ बोलो। मेरे साथ जो करना चाहते हो वो सब कर लो तुम लोग। तुम लोग इसे क्यों मार रहे हो? इसने मुझे बचाने के लिए अपने गांव वालों और अपने परिवार सभी को बलिदान कर दिया, ये क्यों भूल रहे हो? अगर तुम लोग उसके जगह पर होते तो ऐसा करते क्या? तुम लोग खुद से पूछ कर देखो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। कुरुंगश्री हमसे छिन गया, कुरुंगश्री हमसे छिन गया।
इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? इतने लोग हर रोज मारे जा रहे हैं जो बेगुनाह हैं। देखो इन दोनों की तरह छिपकर जियो, लुटते रहो, यह अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ऐसे कब तक जियोगे तुम लोग? थोड़ी दूर पर ही इन बर्मियों ने डेरा डाला है, वे जाने वाले नहीं हैं जब तक हमारे देश को बर्बाद नहीं कर देते। अगर तुम लोग लड़ना नहीं चाहते तो भाग जाओ यहां से कायरों की तरह, लेकिन अगर बहादुर हो तो अपनी कमर कस लो, सुबह मेरे साथ चलो, और याद रखो भिक्षु का आशीर्वाद हमारे साथ है, और इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, बिल्कुल वैसी जैसी राजन गांव में हुई थी। देखा कि मैं मर गया। मेरी माँ बहुत बीमार है, किसी डॉक्टर को भेजकर उनका इलाज करवा दीजिए। अपनी बकवास बंद कर। मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। हमारी सारी सेनाएं चलने को तैयार हैं। मेरी पत्नी को घूर रहा है, मेरे सवाल का जवाब दे। जब ऐसी सुंदर लड़की हो तो उस पर से किस मर्द की नजर हटेगी? तो फिर मैं तुझे इसके साथ मजे करने का मौका देता हूं। अब इंतजार क्या कर रहा है, चल इसके साथ में शुरू हो जा। रुक! मेरे सामने यहीं यहीं पर चल, शुरू हो अभी इसी वक्त। Ha ha ha!
मेरी बात याद रखना, आज कुंगश्री मरा है और उसका सब कुछ हमारा हुआ। माँ, 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 मैं बोला था भागने को सोचना भी मत। बेटा 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 ये क्या हो गया तुम्हें? ऑटो 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 बाबा, मैंने अभी अभी देखा बर्मी हमारी तरफ आ रहे हैं। बर्मियों का गुलाम बनने से अच्छा है यहाँ से कहीं और चले जाएं। तुम कहाँ जा सकती हो? हर तरफ बर्मी सैनिक डेरा डाले हैं। हम लोग बहुत कम लोग हैं, किसी के नजर में नहीं आएंगे। हमारे साथ कुछ लड़ाकू मर्द भी होंगे, बताओ क्या कहते हो? मेरे साथ कौन कौन चलेगा? मैं भी चलूंगी। संभल कर आ जाओ, जल्दी करो, आ जाओ सब लोग, जल्दी करो, जल्दी करो। माँ, 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 आपने बताया क्यों नहीं कि आप गांव छोड़कर जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो आप लोग? इतनी पूछताछ मत करो, मुझे जल्दी है। जल्दी बैठो बैलगाड़ी पर। क्या हुआ? बैठने के लिए बोला ना, छोड़ो उसको। सुनो, क्या तुमने डियांग को देखा? वो पहरेदारी करने गया है। रुको रुको, चाबा आओ चलते हैं। चाबा, चाबा, चाबा रुक जाओ, चाबा, चाबा रुको, चाबा। डियांग, तुम आ गए। तुम जा क्यों रही हो? मैंने कहा था मैं तुमसे ब्याह करूंगा, ये लो। चाची। रुको डियांग, डियांग, तुम मेरी माँ का इरादा नहीं बदल सकते।
मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। चाबा, चाहता हूं तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं भिक्षु को नहीं छोड़ सकता। मेरी बात याद रखना, युद्ध खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। और तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। तुम मेरा इंतजार करना, इंतजार करना मेरा, मुझसे वादा करो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा। मैं इंतजार करूंगी, इंतजार करूंगी टिया। मैं आऊंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी टिया। अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो फिर वो तुम्हें जरूर मिलेगी, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। की याद आ रही है, कृंगश्री को छोड़े महीनों हो गए हैं, आपको घर की याद नहीं आती? ये सब हमारा ही तो घर है। कुछ भी निश्चित नहीं है यहाँ, यहाँ तक कि ये शरीर भी। ये शरीर हमारा नहीं है, तुम्हारे मरने के बाद वापस ये मिट्टी में मिल जाएगा। बस ये सोचो, हम नहीं मरते, हमारा शरीर मरता है, लेकिन हमारा आत्मा नहीं। सबके साथ यही होता है, और तुम सबके दिमाग में ये बात बैठ गया है कि
जब राजन के गांव में नरसंहार हुआ था तब तो जितने भी हथियार थे सारे जब्त कर ली गई थी। फिर भी वो बहादुरी से लड़े थे। उन्हें पता चल गया था कि वे किस लिए लड़ रहे हैं। हालांकि वे नहीं बचे, लेकिन वो हमें बता गए कि देशभक्ति क्या होती है। वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे और हमेशा अमर रहेंगे वो, और इसी को देशभक्ति कहते हैं। आप इतनी बार युद्ध करते हैं, आखिर ये युद्ध क्यों करते हैं आप? उसके लिए लड़ता हूं जिससे मुझे प्यार है। पर तुम बताओ, तुम किसके लिए लड़ते हो? कुंगश्री भी तुमसे छीन लिया गया, अब कौन सी जमीन को अपनी जमीन कहोगे तुम लोग? कौन सी जगह है वो जहां तुम लोग शांति से रह पाओगे? कौन सी जगह है जहां तुम्हें दफनाया जाएगा? कब तक भागते रहोगे इस तरह तुम लोग? सुनो मियांग, कीव, यांग और तुम, मुझे यकीन है यहां कुछ लोग आ सकते हैं। उनकी संख्या 100 के आसपास तो होगी ही। बर्मी सैनिकों की ताकत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि वो हमसे हाथ मिलाएंगे। इक्षु महाराज के सैनिकों? हाँ, और हम लोग आपकी सेना में शामिल होने आए हैं, हमें भी अपने साथ ले चलोगे? हाँ, हम सबके लिए यही ठीक होगा, चले जाए। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं जानती हूं तुम जो करते हो वो अच्छा है, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं तुमसे ये कहूंगी कि भले ही सब कोई मारा जाए, ये देश बर्बाद हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ये चाहती हूं कि तुम, मैं और हमारे बच्चे सब लोग साथ में रहें। क्या ये अच्छा होगा कि हम सिर्फ 3 लोग ही रहें और सारे लोग मारे जाएं? ऐसी कोई जगह ना हो जिसे अपना देश कह सके? अब मैं जान गया हूं आखिर क्यों लड़ना है। जीवित रहने के लिए नहीं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ना है, ताकि उसका एक देश हो जहां वो खेले, जहां वो दौड़े और शांति से सो सके, जहां उसका जीवन सुरक्षित हो। जंपी, मेरी बात सुनो, अगर मैं बच्चों को बड़ा करने के लिए नहीं रहा तो उनसे कहना मैंने उन्हें छोड़ा नहीं, इसी जमीन में हूं, इन्हीं पेड़ों पर, यहां की नदियों में, मैं हमेशा उनकी रक्षा करता रहूंगा।
नसीब हमेशा तुम्हारे साथ रहे। एकजुटता बनाए रखना आपस में, मुझे भरोसा है तुम लोग जरूर जीत कर घर आओगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, कल्याण भव, कल्याण भव, यशस्वी भव, विजयी भव, विजयी भव, हरिओम तत्सत, कल्याण भव, यशस्वी भव, विजयी भव, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, कल्याण भव, कल्याण भव। Come on!
हमारे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। मास्टर सुखी नहीं चाहते हैं कि आम जनता को मारा जाए। अगर तुम भिक्षु धामा कोटे को हमारे हवाले कर देते हो तो, और अगर उन्हें बचाने की कोशिश की तो तुम लोगों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं। महाराज आप मत जाइए, महाराज आप मत जाइए, हमारे परिवार को खत्म ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा। मत जाइए महाराज, मत जाइए आप। हाँ महाराज मत जाइए, महाराज मत जाइए, मत जाइए महाराज। भला ये हमारे परिवार को खत्म कर दे तो क्या होगा, लेकिन आप मत जाइए महाराज। रुको, तुम लोगों को याद नहीं है मैंने क्या कहा था? हमारा शरीर नश्वर है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तुम लोगों में से कोई अमर नहीं रहेगा।
महाराज मत जाइए, मत जाइए महाराज, मत जाइए महाराज, मत जाइए, हम लोगों को छोड़कर मत जाइए महाराज, मत जाइए, हम लोग अकेला हो जाएंगे महाराज, आपके बगैर हम लोग कैसे लड़ेंगे। वहां जाकर छुप जाओ। मेरी बात सुनो, आज फैसले की घड़ी है, फैसला तुम्हारा होगा कि जीना है या मरना है। अगर जीना चाहते हो तो हथियार छोड़ गुलाम बन जाओ, लेकिन अगर मरना चाहते हो तो अपनी तलवारें उठा लो। अब फैसला तुम्हारा है। जैसा कि मैंने सुना है तुम वैसे ही अमर हो क्या? क्या तुम्हें पता है यहाँ के गांव वाले राजन के गांव वाले जितने ही मजबूत हैं, क्योंकि उन्हें तुमने सताया है। अगर तुम हमें सताओगे तो राजन जैसा एक नया गांव हमेशा तैयार रहेगा। Thank you.
श्री को छोड़े हमें महीनों हो गए हैं। आपको घर की याद नहीं आती? ये सब कुछ हमारा घर ही तो है। ये वो लोग थे जो मौत से नहीं डरते थे। उनके दिल में अभी भी उम्मीद है कि उनका परिवार उनको वापस मिल जाएगा। युद्ध के बाद मैं एक अच्छी सी जमीन ढूंढकर उसमें खेती बारी करूंगा और जिंदा रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना चाबा, तुम मेरा इंतजार करना। त्रिहांग, मैं इंतजार करूंगी। अगर मैं बच्चों को बड़ा करने के लिए नहीं रहा तो उनसे कहना मैंने उन्हें छोड़ा नहीं, इसी जमीन में हूं, इन्हीं पेड़ों पर, यहां की नदियों में। मैं हमेशा उनकी रक्षा करता रहूंगा। क्या तुम्हें पता है ये गांव वाले राजन के गांव वाले जितना ही मजबूत हैं, क्योंकि उन लोगों को तूने सताया है। अगर तुम हमें सताओगे तो राजन जैसा एक नया गांव हमेशा तैयार रहेगा।